चलू भाई अब हमरे मन देखब कि गोंदली फसिल के कैसे उपजाल जाएल। इकर उन्नत प्रभेद आहे बिरसा गोंदली। एक, ई 55 से 60 दिन कर भीतरे तैयार होए जाएल। इकर औसत उपज 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर होएल। ई गुण आहे इकर में कि इकर में बीमारी नहीं होएल। ई तो सबसे बढ़िया गुण है भाई, बीमारी नहीं होए तो उपजा बढ़िया होए। इकर खेत कर तैयारी का लखे करल जाए। 2-3 धाव खेत के बढ़िया से जोत के पाटा चलाए देख चाहिए। गोबर कर सड़ल माइंद के 5 टन प्रति हेक्टर कर दर से बेस से मिसाए देख चाहिए। गोंदली टाड़ भूई कर फसिला है, सहेले खेत मन में पानी नी रहक चाहिए। इकर बुने कर बेस मेरा का है इके जानू। गोंदली के मई कर आखिर और जून कर तीसर हफ्ता तक बुन देख चाहिए। इकर में दर से दर कर दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होएक चाहिए। बिहीन कर दर का होएक चाहिए, बिहीन कर दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर रहले बेस रही। इकर में उर्वरक कर प्रयोग 40, 20 और 20 किलोग्राम NPK प्रति हेक्टर में करेक चाहिए। आप देखब कि इकर निकाई और गुड़ाई कैसे करल जाए। इके एक चाहे 2 धाव निकाई गुड़ाई कर जरूरत रहेल। पहल धाव निकाई गुड़ाई करल कर 5 दिन कर पाछे 20 किलोग्राम हेक्टर कर दर से यूरिया के खड़ी फसल में डाल देख चाहिए। अब इतना करल बादे जब फसल तैयार हो जाए तो उकर कटनी और दौरी कैसे करी। फसल जखन पाइक जाएल तखन उके जड़ से काटल जाएल। 2-3 दिन तक रौद में सुखाए के बाइल कर दौरी कर के दाना के अलगे अलगे कर देल जाएल। इकर बादे अनाज के ठीक से हवा में उड़ाए के दाना के अलगे अलगे कर के बेस से रखल जाएल। चलू रोरे मन गोंदली कर खेती कर तैयारी, उके बुनेक बेरा, उकर उर्वरक कर प्रयोग, उकर कटनी, उकर दौरी सब के जैन गेली।